स्टूडेंट मैं तो लाकर आज के इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्योर सब्सटेंस। इट इज आल्सो अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर गेट आईएएस पीएससी एज वेल एज योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पे मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट आईएएस पीएससी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम डिप्लोमा एग्जाम सभी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम साथ ही साथ न्यूमेरिकल थ्योरी सभी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, कमेंट्स जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्योर सब्सटेंस। इसमें बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को आज मैं सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम। तो बात करते हैं सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। जैसे कि आपके पास एक व्हीकल है, टू व्हीलर है, टू व्हीलर जो है किससे चलती है, पेट्रोल या डीजल से ही चलेगी आपकी, ठीक है, पेट्रोल से चलेगी। आप पेट्रोल फिल करवाना चाहते हैं तो आपकी जो व्हीकल्स है उसके अंदर आपको प्योर मतलब एक अच्छा पेट्रोल आपको चाहिए जिसमें मिक्सिंग ना हो। मिक्सिंग होगा तो क्या होगा, जो आपकी व्हीकल्स है वो उसकी इफिशियंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या उसमें हम अगर पानी मिला दें, पानी की कुछ बूंद डाल दें तो क्या होगा, आपका इंजन ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए हर एक सिस्टम के लिए प्योर सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सब्सटेंस जो है, जो पेट्रोल डीजल ये एक तरीके का सब्सटेंस ही होता है, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो अ सब्सटेंस, ठीक है। तो बहुत सारे सिस्टम्स जो होते हैं जैसे स्टीम इंजन्स जो है, स्टीम इंजन्स के लिए हमें वाटर जो है जो सब्सटेंस होता है वहां पर, तो वहां पर प्योर सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जो है हमें प्योर सब्सटेंस को पिक्चर में लेके आए, और अगर प्योर सब्सटेंस होगा तो जो सिस्टम है उसके अंदर हम इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसको हम फाइंड कर पाएंगे। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हम पहले समझते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज सेड टू बी डिफाइंड एज इफ इट इज इन होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन एंड होमोजीनियस इन फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी एग्रीगेशन। दो तरीके की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वी कैन से दैट इट इज अ प्योर सब्सटेंस। मतलब प्योर सब्सटेंस तभी होगा जब उसके केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने दो चीज़ें डाली हुई हैं, कोई भी दो चीज़ें मिक्स की हुई हैं, ठीक है, तो उनके जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। आपस में जो है उनके केमिकल कंपोजिशन सेम हो और उसके बाद उनके फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो, तो हम उनको आपस में मिक्सिंग कर पाएंगे और हम क्या पाएंगे कि वो सब्सटेंस जो है वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि पानी की हम बात करें तो पानी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका H2O होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बर्फ की, आइस की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला भी यही होगा। अगर इसमें हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो H2 पे 2, O पे 1, ऐसे ही उसमें होगा। तो इनके कंपोजिशन सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपस में मिक्स हो जाएं, आपस में उनके मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाएं, वो आपस में उनके कंपोजिशन सेम हो जाएं, तो हम कहते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है। और सिस्टम के अंदर हमें प्योर सब्सटेंस की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, ये बहुत बार पूछा गया है। अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज टाइप से बोलेगा होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन एंड होमोजीनियस इन फिजिकल स्ट्रक्चर्स, तो कौन सा सब्सटेंस होगा आपका, तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। अब जो होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशंस, इसका क्या मतलब है, ये जो आपका है इसका क्या मतलब है, इसको हम समझ लेते हैं। मींस दैट द कंपोजिशन of each part of the system is same as the composition of any other part, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो सिस्टम है वो होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन होगा। मतलब अगर उसका एक पार्ट जो है वो हो कंपोजिशन सेम हो, दूसरे पार्ट के भी कंपोजिशन सेम हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन में होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट बताया, वाटर की अगर मैं बात करूं, यहां पर एक तरफ वाटर ले लूं मैं, तो इसमें H2 हो और इसके कंपोजिशन क्या होंगे, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही उसके कंपोजिशन होते हैं। स्टीम जो है अगर, तो स्टीम में भी H2O होगा इसका फॉर्म, और इसके भी कंपोजिशन सेम होंगे, अलग थोड़ी होंगे इसमें,
ठीक है। तो यहाँ पर दो, ये एक तरीके से दो अलग अलग आप बोल सकते हो पार्ट हैं, लेकिन इसमें क्या है, इनके कंपोजिशन सेम है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये प्योर सब्सटेंस में होगा। कंपोजिशन सेम होना चाहिए तो वो जो सब्सटेंस है वो प्योर सब्सटेंस में हो जाएगा आपका। अब बात करें होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका, इसको लिखिएगा, इंप्लाइज दैट द केमिकल एलिमेंट्स, जो भी केमिकल एलिमेंट्स उसके अंदर HO मस्ट बी केमिकली कंबाइंड। कंपोजिशन कंबाइंड हो गया, उसके बाद उनके जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में मिक्सिंग में होना चाहिए, कंबाइंड होना चाहिए इन द सेम वे, इन ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो भी सिस्टम होगा वो आपका प्योर सब्सटेंस में होगा। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि भैया हमारे पास ये कोई एक कंटेनर है, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमारी स्टीम भरी हुई है और यहाँ पर हमारा वाटर है। ठीक है, तो स्टीम के अगर हम बात करें तो इसमें अगर जो इसके केमिकल अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो H2O और इसका भी H2O होगा, अलग तो होगा नहीं। और यहाँ पर अगर हम इनकी कंपोजिशन देख लें तो ये कंपोजिशन होंगे, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ होमोजीनियस या इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, हम बोल सकते हैं ये प्योर सब्सटेंस है पूरा। ठीक है, उसके बाद अब मैं दूसरी कंडीशन लेता हूँ इसी में। ठीक है, वही सिस्टम है, यहाँ पर वाटर है लेकिन यहाँ पर H2 अलग से और O अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो वाटर है वाटर का फॉर्मूला क्या होगा आपका H2O, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पूरा मिक्सिंग में हो, H2 अलग होगा O अलग होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो है आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है, इसमें अगर इसका केमिकल कंपोजिशन तो सेम हो जाएगा लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ठीक है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर इसका सेम नहीं है तो ये मिक्सिंग नहीं होंगे, तो इसलिए ये क्या है, ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर सब्सटेंस में जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तभी मैं हम बोल सकते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस में है। ऐसे ही अगर हम एक सिस्टम और बना लें यहाँ पे H2+O2 और यहाँ पे हम वाटर देखें तो वाटर का फॉर्मूला हमारा H2O, ये पूरा अलग स्ट्रक्चर हो गया H2+O2, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला 2:1 केमिकल कंपोजिशन और ये हो जाएगा 2 और 2 मतलब 1:1, तो इसमें तो दोनों कंडीशन जो है अनसेटिस्फाई है, इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई था एक कंडीशन अनसेटिस्फाई था और इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई थी, तो इसमें ये जो सिस्टम है आपका ये प्योर सब्सटेंस में रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और प्योर सब्सटेंस जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने एक सिंपल वे में आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है, बच्चों को इसमें बहुत सारा डाउट होता है, तो होप आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियाँ होती हों, बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप करता हूँ या कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ, सभी सब्जेक्ट के मैं वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम्स रहता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, देन दूसरे सब्जेक्ट के भी मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जहाँ भी आप हैं, कमेंट्स कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।